नमस्कार। राज्यर उपकूलवर्ती पुरी जिला गोप ब्लॉक रे माटी तलु मिलिला पेट्रोल रो संधान। ऑयल इंडिया लिमिटेड पक्षर तैल और प्राकृतिक गैस खोजा नहीं राज्यर आठटी जिले होता सर्वेक्षण में मिली बड़ सफलता। गोप ब्लॉक दुईट स्थान में तैल और प्राकृतिक गैस संधान मिलवा पर अंचल खुशी। गोप ब्लॉक कुसुपुर महलपड़ार चित्रा मौजार माटी तले तैलकूप संधान मिली जहाक नहीं आठ एकर लेखाएं जगह चिन्हट कर अधिग्रहण आरंभ हो। तैलकूप खनन आरंभ हेले बदली स्थानीय अर्थनीति बेकार युवक युवती को मिल निजुक्ति। माटी तले पेट्रोल ठाब पर नुआ संभावना सृष्टि होई तबे राज्य रे यहाँ को प्रथम घटना यहाँ को नहीं देखा आज न्यूज 18 स्पेशल गोप रे तैलकूप। सफल होई ऑयल इंडिया लिमिटेड तैल और प्राकृतिक गैस संधान कार्य। पुरी जिला गोप ब्लॉक दुईट स्थान माटी तले तैल और प्राकृतिक गैस संधान मिली एने स्पष्ट कर ऑयल इंडिया कंपनी चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर बीएन साहू। स्थान चिन्हट पर खुशी खेली जाए। गोप ब्लॉक अधीन गोप पंचायत कुसुपुर मौजा और महलपड़ार चित्रा मौजा सैटेलाइट मैप जोगे आठ एकर लेखाएं जगह चिन्हट कर भारत सरकार तैल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड पक्ष 2020 नवंबर 20 तारीख में यह सेस्मिक सर्वेक्षण शुभारंभ करा। ओडिशा उपकूलवर्ती राज्यर आठटी जिला जथा पुरी खोर्धा कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक और बालेश्वर जिले में सेस्मिक सर्वे होता। विभिन्न स्थान में अन्वेषण ड्रिलिंग कराए सर्वे करा जायथिला। ओडिशार आठटी ब्लॉक 3000 वर्ग किलोमीटर सर्वे पर गोप ब्लॉक अंचल दुईट स्थान तैल और प्राकृतिक गैस संधान मिली। तबे गोप अंचल रे हाकु नै खुशी कारण ऑयल इंडिया तरफ जो आसिक सब सब जमी चिन्हट कलापर समस्त आज चेक दिया दिखे एग्रीमेंट कराई गुंठ 17000 हिसाब से तीन वर्ष को 51000 जार जिते गुंठ थी आईटा गोटे भल कम मैंने मुझे ऑयल इंडिया तरफ भल प्रचेषा जब गोप रेटा है गोप रे डेवलपमेंट हम गोप बहुत उठीज मैं उपरको उठब भल हम आउ चाषी मैंने भी किसी उपकृत पाइले आवर्त मुहूर्त जो तेल मिलला तेल से परवर्त मुहूर्त हम तो आम से लिड कर पारती से पर मुहूर्त कथा केत कौन बाहर देखला जहाँ पची देखिए जहाँ करेंगे ये दुई तीन मस तलु प्रक्रिया आरंभ होता ये प्राय 37 जन चाषी पखापाखि 8 एकर जमी एरिया को ऑयल इंडिया तार कवर कर तेल ड्रिलिंग करने योजना करूँ 37 जन चाषी प्राय पखापाखि 60-70 लक्ष टा समस्त मिसिक प्राय आज दि जा चेक चेक आकार समस्त की दि जा तबे लोक मानू चेक दिया जाए ता सहित गोप अंचल खुशीर परिवेश एथिपाई जे जो अंचल दिने हुए तो कहीपर ओडिशा भितर सीमित थिला ता वर्तमान लोकलोचन को आसुची लोके से अंचल अधिक निजुक्ति सुजोग सृष्टि आशा रखिंट कारण जदि ऑयल कंपनी लीज रे तीन वर्ष लीज रे निश्चित भाव से खनन कार्य आहुरी हेबो एवं जो संधान पाई खनन करा जाउची ता द्वारा आहुरी लोक आवश्यक हेबो निजुक्ति सृष्टि हेबो निजोग सृष्टि हेबो लोक माने युवक युवती जो माने अछंती से मानकु सेठी काम करबाकु सुजोग मिलिबो सेति पाई गोप ब्लॉक रे लोकंक भितरे खुशीर लहरी। ओडिशार आठटी जिले में सेस्मिक सर्वे होता पुरी खोर्धा कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर जो वर्तमान पुरी जिला गोप्रे तैल प्राकृतिक गैस संधान मिली ओडिशार एभली घटना प्रथम एवं जहाकु नहीं समस्ते आशावादी अछंदि एवं जेहेतु 37 जन जमी मालिकंकु 10 कोटीर चेक मिली से बेस खुशी जो माने चासी अछंति कारण 10 कोटीर चेक मिली से भविष्य गोटे प्रकार सुरक्षित वर्तमान समय रे 3 वर्ष पई जेतु तांकर चासो जमी लीज रे निया जाउछि।
देवाशिष सिंह रायन आम गो प्रतिनिधि अधिक आलोचना करने सहित अच्छा डॉक्टर बी एन फारूक भूतत्वविद अच्छा अधिक आलोचना डॉक्टर फारूक आप आसबि कि देवाशिष आपंठू जानापी चाहिए बर्तमान जो खनन कार्य चली यार भितर पूरा चित्र कौन देखुंट आप हाँ देखो शास्त्री जदि कह जेहेतु खनन कार्य एवं बंद रही जेहेतु सर्वे करा सर्वे पर जो जमी मालिक को चिन्हट कर 37 जन जमी मालिक को चिन्हट कर पखापाखि 8 एकर जगह कुशुपुर अंचल नि परवर्त समय मलपड़ार चित्रा अंचल पखापाखि 8-10 एकर जमी नि किंतु ये 37 जमी मालिक को चिन्हट कर से 37 जन जमी मालिक को पखापाखि 3,42,00,000 टाँग प्रथम पर्यायर प्रदान कर जो रही 17,000 टाँचा लेखे गुंट पिछा प्रदान कर जो 37 जन जमी मालिक जगह ने पखापाखि 3 वर्ष लिस्ट सूत्र नि किसी जमी मालिक रही सीधा सड़क सहित प्रतिक्रिया ना सार देखु आप सरकार जो ऑयल इंडिया पक्षर जो सुविधा सुजोग जोगे दि जाती 3 वर्ष कौन से सुविधा सुजोग आपे तीन वर्षर चाषर जितकी इनकम से हिसाब से ऑयल इंडिया पैसा आमको दे 3 वर्ष आम 3 वर्ष जमी मान को लीज आकार से खनन कर तेल बाहर रिपोर्ट प्रकाश करे और तेल बाहर से अनुसार ने ठाकुर करूँ तेल बाहर तेल बाहर एरिया रो उन्नति हवा संगे संगे ओडिशा रो उन्नति हम ओडिशा रो उन्नति हेल्ले भारत रो उन्नति हम भगवान करूँ तेल बाहर एवं आम मैंने खुशी देखो निश्चित भाव चाषी मैंने गोटे प्रकार आशावादी अच्छा एटु तेल बाहर आती बुद्धिजीवी अच्छा सार जेहतु गोप अंचल कृषि प्रधान एरिया ये जो तेलर सन्धान मिलती आपण मैंने केशा व्यक्त करेल बाहर नहीं आमर तो आशा रोचे कि तेल बाहर बाहर एरिया उन्नति होती जगह आम आशावादी अच्छु देखु स्वाती जदि कह पखापाखि जो रही 8 एकर जगह यू जमी मालिक मानक नि चिन्हट कर 37 जन एवं जहाँ सूचना रही आज जो रही चित्रा अंचल संध्या समय जमी मालिक सहित आलोचना ऑयल इंडिया तरफ करें कारण से अंचल जो जमी मालिक मान जमी चिन्हट कर से अंचल किभली जो ऑयल इंडिया तरफ चाषी मानक जो चिन्हट कर लीज आकार टा दि जा गोटे प्रकार व्यवस्था कर सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जेहेतु यह अंचल गोटे कृषि प्रधान अंचल लोक मान आवश्यकता को दृष्टि रखी गुंट पिछा 17,000 टाँचा दि जाए एककालीन 3 वर्ष पैसा पेमेंट कराद्वारा चाषी मैंने से जमी को जापर नहीं केवल ऑयल इंडिया से जमी को 3 वर्ष भर व्यवहार कर देवाशिष आपको अटकई भी पुणी फेरी भी आम सहित जोड़े था डॉक्टर फारूक जहां आप शुणुंट चाषी मैंने चाहूंट कि तैल बाहर एवं से माने खुशी अच्छा प्रथम आपंठ जानापी चाहिए ये जो संधान करा सर्भे करा कौन कौन भाविकी एवं जे कहीं ये अंचल पर्टिकुलरली 8 जिले में सर्भे करा किभली जना पड़ा जे एठी थाई पारे प्राकृतिक तैल और गैस एटा तो गोटे जियोलॉजिकल कंडीशन माने दरकार एटा जियोलॉजी रे केते बडा पत्थर जोटा के मायोसिन ना तारो इंग्लिश कहा जाए मायोसिन रॉक रो फॉर्मेशन जोटी जोटी थिबो से जगह गुड़ा करे तेल बा गैस अवेलेबिलिटी रो चांसेस थाए एटा आगुरु एस्टैब्लिश्ड अछि तेणु वर्तमान ओडिशा रे ए जो डेल्टाइक रीजन रे जे मायोसिन रॉक किंबा प्लायोसिन मायोसिन पैलियोसिन तीन टा जो सिक्वेंस अच्छे रॉक अच्छी सेगुड़ा एठी अच्छी बहुत आगुरु एटा ऑलरेडी जना अच्छे कहीं पूरा भारत वर्षा जियोलॉजिकली मैप कराई आम गुजरात रे अच्छी बॉम्बे हाई रे अच्छी ओडिशा रे भी महानदी डेल्टा रे ये रॉक रॉक फॉर्मेशन को डाल के मिली था कि हां ये जगह रे अच्छी ए ए जग ए रॉक रे पेट्रोल पाइबार ऑयल एंड गैस पाइबार संभावना थाए वर्तमान कौन है या ऊपर माने सीस्मिक सर्वे ये जो सीस्मिक सर्वे कर 3,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया धरी केवल
8 हेक्टर एरिया को से माने सिलेक्ट करछंती सिस्मिक सर्वे। सिस्मिक सर्वे होची कोनो माने गोटे तरंग ट्रांसमिट करथि माटी तड़ को एंड ता भितरु सिस्मिक सर्वे रे स्ट्रक्चर रे जणा पड़े तेल किंबा गैस पई गोटे एंटी फॉर्म स्ट्रक्चर गोटे हुए एंटी फॉर्म स्ट्रक्चर टा थिबा निहाती दरकार सेटा उपरु जणा पड़िबो नाही काही कि ना ए सब फॉर्मेशन 1800 मीटर रु 2500 मीटर तड़े अच्छी बोली एई जागा रे महानदी डेल्टा रे 1968 मसीहा रु 1970 मसीहा भितरे ओएनजीसी एठी काम करथिले एवं गैस आउ तेलर संधान पाइथिले किंतु से समय रे याकू से माने इकोनॉमिकली वायबल नुहे बोली छाड़ी देकी चल जाइथिले। से समय रे 1970 मसीहा रे तेल पेट्रोल मिलूला टंका को गोटे लिटर आज 100 टंका रे गोटे लिटर तेणु इकोनॉमिक्स बहुत चेंज हो जाए से दिन ठू आज पर्यंत तेणु जोटा से समय रे गोटे टंका लिटर रे वायबल नथिला सेठी इन्वेस्ट करबा को आज दैट हैज बिकम इकोनॉमिकली वायबल किंतु तेल पाइबार तीनटा स्टेज अच्छी एक्सप्लोरेशन रीनटा स्टेज अच्छी गोटे स्टेज हूँ जियोलॉजिकल मैपिंग जे हाँ ये पत्थर गुड़ा ये अवेलेबल अच्छी माटी तड़े बहुत तड़े ताकू सेन्स करवाई गोटे तार फर्म टा जानवापी सिस्मिक सर्वे गोटे अच्छी टेक्नोलोजी अच्छी जो थे कि 2000 मीटर 1800 मीटर तड़े पत्थर स्ट्रक्चर टा केमती अच्छी से जना पड़ी जाए थ्रू इंटरप्रिटेशन इट इज ता माने नुह के एटा डायरेक्ट एविडेंस किंतु यस इनडायरेक्ट एटा साइंस सेतरे ये स्ट्रक्चर टा पाई छंती ए स्ट्रक्चर टा अछि बोली जोतरे के गोटे मायसिन रो रॉक अछि सेटा भी जणा पड़ जाय छि आगुरु तेनु तेलो आ गैस तिबार संभावना अछि साइंटिफिकली यस किंतु फाइनल कंफर्मेशन हबो ड्रिलिंग परे ए माने अबिका जो ड्रिलिंग करछंती कहउछंती भाबुछंती लोक माने ये ड्रिलिंग टा तेलो पा गैस पे नहीं है ये ड्रिलिंग टा होची सिस्मिक सर्वे रे गोटे रिक्वायरमेंट सिस्मिक सर्वे करिया पई जेंती ब्लास्टिंग करा जाए माइन रे ब्लास्टिंग कला बडे भी ड्रिलिंग करती से ए ड्रिलिंग टा से ड्रिलिंग माने सिस्मिक सर्वे करिबार ड्रिलिंग से ड्रिलिंग होची 50 मीटर की 100 मीटर किंतु तेलो बा गैस पई 1500 ऊपर ड्रिलिंग करबा को पड़िबो ता परे जाय कि आगे तो आहुरी ड्रिलिंग करबा को पड़िबो जहां पण कहउचंती फेरी भी आपण पाख को पुनी थरे फेरीबा देवाशीष को पाख को देवाशीष जहां डॉक्टर फारूक कहिले एई जो ड्रिलिंग करा जाउची एईटा प्रकृत रे जो गैस आउ तैल बाहरिबो एईटा सेथरु बाहरिबनी आहुरी हजार फुट अब ता तळकु आहुरी ड्रिलिंग करा जिवो एवं ता परे ही जणा पड़िबो जहां कहउचंती डॉक्टर फारूक तो जदी से सब दिगरु देखिबा वर्तमान ऑयल कंपनी केते दूर प्रस्तुत है कि आसी छंती एवं केते दिनो से माने लगेबे केवल एई जो अनुसंधान करबा पई अबा कहि परबाय 3 वर्ष भितरे कोन कोन सब करा जिवार रहिछि सूचना देखो तो यदि कहबा केवल गोप अंचल नुहे गोप पूर्व पिपिली कणास निमापड़ा और ब्रह्मगिरी अंचल में ड्रिलिंग प्रक्रिया आरंभ कर किंतु विशेषकर गोप को से चिन्हट कर गोप्र दुईट अंचल को से चिन्हट कर कुशुपुर और मलपड़ार चित्राबेली गोटे अंचल रही अंचल को चिन्हट कर आशा प्रकट कर पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल और डीजल बाहिपर और प्राकृतिक गैस बाहर से गोटे प्रकार आशा प्रकट कर आशा को केवल उज्जीवित करा जाई परिबो एवं जो कथा कहा जाउती आउरी 1000 फुट रु अधिया मध्य ड्रिलिंग करा जाइबा परे प्रकृत तथ्य मिली परिबो एवं एठी प्रकृत पक्षे पेट्रोल अच्छी ना नहीं डीजेल अच्छी ना नहीं बाहुची ना नहीं ता गोटे प्रकार मध्य स्पष्ट हो परिबो किंतु तो स्थानीय चाषी मैंने रही जेहेतु चाषी मैंने साधारण लोक मान गोटे प्रकार उत्साह रही जेहेतु ये अंचल गोटे कृषि प्रधान अंचल एटी लोक मानक जीवन जीविका उपर से किसी सुविधा सुजोग नहीं केवल चाष पर निर्भर करदी एटी पेट्रोल और डीजेल गैस बाहर से निश्चित रूपे अंचल विकास हेबो केवल अंचल विकास हेबो निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो अनेक प्रकार आशा रहिछि देवाशीष जेतेबेले आपण थिले अनुसंधान जेतेबेले करा जतला जेतेबेले खोला जाउतला आपण कोन देखिबा को पाइथिले से समय रे
देखो तो से समय केवल गोटे तार को निला तार को जंत्र मध्यम से किसी बाट गभर भितर को तार जाऊला तार कि बाट गलापर पा निष्कासन होता पा कि परीक्षा करुले से पाने किसी तैय अंश अच्छी ना नहीं ताको परीक्षा निरीक्षा करुले से परीक्षा निरीक्षा करने समय प्रतिनिधि मान से छड़ा जाऊ स्पष्ट करे अबिका जो ड्रिलिंग करा तेल पर्यंत पहुंचार ड्रिलिंग नुहे ये ड्रिलिंग सिस्मिक सर्वे गोटे प्रोसेस ड्रिलिंग माने से 50 मीटर कि 100 मीटर भी मैक्सिमम करते एक्सप्लोसिव दिखती एक्सप्लोसिव को इलेक्ट्रिक करंट द्वारा ताको माटी तड़ को ड्रिल होल रे पकाई देला पारे उपरु स्विच देकी ताको एक्सप्लोड करती एक्सप्लोड कला बड़े जो ग्राउंड वाटर पानी भितरे थाए माटी तड़े एई ड्रिलिंग होल भितरे पानी टा चली आसे सेटा एक्सप्लोजन जगु पिचकारी मारी के बाहर को आसे ऊपर को सेटा तेल संगे तार किसी संपर्क नहीं कहीं के ना एटा होची 100 मीटर भितरे आ तेल थिबो 1000 किंबा 1500 मीटर तड़े आज्ञा एटा केवल सिस्मिक सर्वे रो गटा प्रोसेस सिस्मिक सर्वे जहां आपण कोचोंदी फेर भी आपण पाखो को देबा से जहां डॉक्टर फारूक कहले एठी जो आपण कोथले जो तारो जाउची एवं एटा गोटे सिस्मिक सर्वे बोली डॉक्टर फारूक कहउचोंदी तो साधारण लोक माने हुए त याकू बुझिबा कष्ट सेही अंचल रे याकू नै कोन चर्चा होउची देबा से देखु निश्चित भाव जदि कह जेहेतु जिते बड़े ये कार्य आरंभ होता प्रथम प्रथम तो निश्चित भाव चाषी मैंने विरोध करते जेहेतु चाष जमि ये प्रक्रिया आरंभ करा किंतु परवर्त समय जिते जाना पाई ये अंचल किसी प्राकृतिक गैस बाहर सन्धान मिलूँगी से गोटे प्रकार सहयोग करते परवर्त समय जो ऑयल इंडिया पक्ष से सुजोग मिलला टंका आकार चेक आकार दिगला से गोटे प्रकार कोऑपरेशन करते गोटे प्रकार आशा व्यक्त करते कि ऑयल इंडिया तरफ जो सर्वे करा कि सक्सेस हो किसी स्थानीय युवक अच्छा जो मैंने गोटे प्रकार आशा प्रकट कर सार कौन कहे जेहेतु युवपीढ़ी हिसाब से आप अच्छा कौन आशा रखिंट ऑयल इंडिया तरफ जो प्रकार कार्य करा देखुं आज्ञा देखते ये आम गोप अंचल गोटे चाषी मूलिया एरिया ऑयल बाहर आम मानक बहुत लाभदायक हम आम जेहेतु आम युवपीढ़ी कृषि पर निर्भर करूँ तेणुक आम चाहूँ ये ऑयल बाहर ओडिशा आगो भारत आगो बहुत एम बहुत खुशी निजुक्ति कौन सुविधा मिली आज्ञा देखो सी कहते आमको निजुक्ति दिजाव जदि ऑयल बाहर निश्चिंत निजुक्ति दिजाव जन चाषी अच्छा समस्त फैमिली जन जन निजुक्ति दिजाव योग्यता अनुसार निश्चिंत निजुक्ति दिजाव आउ जन अच्छा भाई कौन कहे आप दूर आशावादी अच्छा ये ऑयल इंडिया तरफ जो सर्वे करा ये पेट्रोल किंबा डीजल बाहर बोली देखो सर्वे तो चलती सर्वे निष्कासन निर्जास बाहर जमापड़ के दूर अच्छी मैंने ऑयल परिमाण के द्वारा ऑयल बाहर ठीक कथा भल से आम अंचल आम देश भल कि जो निजुक्ति जदि हम तो विशेषकर आम एपट जो चाषी अंचल अच्छे आम मैंने बहुत मानते बेकार युवक मैंने बहुत उपकृत हो कोऑपरेशन तो आज्ञा जदि ऑयल थी आम कोऑपरेशन करने बाध्य हबु मानने चाहिए चाहू कि न चाहूँ जो सरकार माध्यम हम मान निश्चित भाव में आम करने बाध्य सहयोग करूँ 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 आगे दूर आशा व्यक्त करें सेटा तो आम कहीपर मटी तले कौन अच्छी किंतु जहाँ सर्वे पर जहाँ जना पड़ो जदि बाहर तो आम संपूर्ण ग्रामवासी हूँ अंचलवासी आम सहयोग कर देखो तो आप शुणुले जो रही जो स्थानीय लोक रही कुशुपुर अंचल मुझे जो कुशुपुर अच्छी से अंचल लोक मैंने गोटे प्रकार आशा व्यक्त करते जदि ये ऑयल इंडिया सर्वे सक्सेस हुए निश्चित रूप सहयोग कर अंचलवासी गोटे प्रकार सहयोग करेंगे और सरकार फेर भी आपको डॉक्टर फारूक जहाँ आप कहते सिस्मिक सर्वे कर 50-100 मीटर भितर वर्तमान ड्रिलिंग कर 1000 फुट तले बाहर केते संभावना रहुची जे हाँ प्रकृत में यू बाहर कारण जो जो जगह चिन्हट कर 8-5 जगार गोटे प्रकार थय जे ये बाहर कि 1000 फुट ड्रिलिंग करापर कि निराश होगा पड़ब कि
ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା 1970 68 ମସିହା ଆଉ 70 ମସିହା ତାପରେ 1978 ମସିହାରେ ବି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲେ, 1968 ମସିହାରେ ONGC କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ୟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବୋଧେ ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଥିଲା ଯେମିତି ବମ୍ବେ ହାଇରେ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ତାର ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ସେ ସମୟରେ ସେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଲିଟରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲିଟର ତେଲ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, କଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ହୁଏତ ତାକୁ ଏମାନେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ୟାର ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାଟା ଉଚିତ, ଆଉ ତେଲ ଅଛି, ଭାଇବିଲିଟି ହବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡ୍ରିଲିଂ ପରେ କେତେ ଅଛି, କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅଛି, କେତେ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଡେପ୍ଥରେ ମାଇନିଂ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ଫାରୁକ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଏକର ଜାଗା ଚିତ୍ରାରୁ ନିଆଯାଇଛି, କୁସୁପୁର ମଧ୍ୟ 8 ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ତ ପୁରା 8 ଏକରକୁ ହିଁ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯିବ ନା କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯିବ, ଏ ନେଇ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯେତେଟା ଶୁଣିଛି, ମତେ ମୁଁ ତ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ଯେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭର ହିସାବରେ 8 ଏକର ନୁହେଁ 8 ହେକ୍ଟର ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ସେ 8 ହେକ୍ଟର ହଉ ବା 8 ଏକର ହଉ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେତିକିରେ ୟାର ଡ୍ରିଲିଂ କାମଟା ସରିଯିବ, ହୁଏତ କିଛି 8 ଏକର ବା 8 ଏକର ଡ୍ରିଲିଂ କଲା ପରେ ଯାହା ଡେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଏରିଆକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ନାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ ଅବିକା କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଆସି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମେସନଟା ଦରକାର ହୁଏ, ମାୟୋସିନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଲୋୟର ମାୟୋସିନ, ମାୟୋସିନ ଆଣ୍ଡ ପାଲିଓସିନ ରକ୍ ଯଦି ଫର୍ମେସନରେ ଥିବ ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ହବାର ଚାନ୍ସେସ ଅଛି, ସେଟା ମିଳିଛି। ସୋ ତା ମାନେ 30% ଓକେ ୟେସ୍। ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେ ପଥରରେ ଥିବା ଦରକାର, ସେଟା ସିସ୍ମିକ ସର୍ଭେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡିରୁ ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବି ଅଛି। ତା ମାନେ 60% ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ ର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ତେଲ ଥିବାର ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବାକି ଡ୍ରିଲିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଖାଲି ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପ୍ରୋସେସ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାଷ ଜମିରୁ ଖୋଳା ଯାଇକି ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳ ବା ଗ୍ୟାସ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଏ? ଡ୍ରିଲିଂ କେବଳ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଷ୍ଟଡିଜ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିଲିଂଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଡ୍ରିଲିଂ ହବ ତାପରେ କଣ ହବ? ଖାଲି ଡ୍ରିଲିଂ କଲେ ହୁଏତ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି ତା ବାହାରିବ ନା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କଣ ରହିବ? ନାଇଁ, ଡ୍ରିଲିଂ କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ଡ୍ରିଲିଂ ତ ବହୁତ ଦରକାର ନା, 1000 ଉପରେ 1000 ମିଟର ଫିଟ୍ ନୁହେଁ, 1000 ମିଟର କିମ୍ବା 1500 ମିଟର ତଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କୁସୁପୁରଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ରଠୁ ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ, ଆଉ ମାହାଲପଡ଼ାଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ବା 9.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସମୁଦ୍ର, ମାନେ ମୁଁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରୁ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆଗେ ସେମାନେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କରିଥିଲେ 1978 ମସିହାରେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ପାଇଥିଲେ ଯଦି ସେଟା କୁସୁପୁର ପାଖରେ ମିଳେ, କୁସୁପୁରଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ସମୁଦ୍ର ସୋର୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, 18 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ସେଠି ଅଳ୍ପ ମାନେ 1800 ମିଟରରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାହାଲପଡ଼ାଟା ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ସେଠି ବେଶୀ ଗଭୀର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଠି 1800 ମିଟର, ଏଠି ହୁଏତ 2000 ମିଟର, ହୁଏତ 2300 ମିଟର ଦୂରକୁ, ମାନେ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବେ ସେତେ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥରେ ଏଟା ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ସେମିତି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ୟାକୁ ବାହାର କରିସାରିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଭାଇବଲ ନଥିଲା, ଅଧିକା ସେଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ମହଲପଡ଼ାଟା, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ କି? ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଭେରି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା, ତ ଡ୍ରିଲିଂ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ବିରାଟ କହିପାରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 1000 ମିଟର 1500 ମିଟର ଯାଏ ଖୋଳାଯିବ, ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ହେବ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ? ସେଟା ଅବିକା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହବ ନାହିଁ, ଉଚିତ ହବନି, କାହିଁକି ନା ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଉପରେ। ଏଇ ଡ୍ରିଲିଂର ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ୟାର ଏରିଆଟା ଆଉ ଟିକେ ଇଷ୍ଟକୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ୱେଷ୍ଟକୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ସାଉଥକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ 8 ଏକର ବି ଧରାଯାଏ, 8 ଏକର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ୟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋ ବ୍ଲକରେ, କୁସୁପୁରରେ, କୁନ୍ଦୁ ମହଲପଡ଼ାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିଲିଂ ସରିବ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଏଟା ତ ଏମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଡ୍ରିଲିଂ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଏଥିରେ କାରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ 3 ବର୍ଷଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ଖନନ ପାଇଁ। ସପୋଜ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଲିଜ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା, ତାପରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଏଇ ଜମିକୁ ଲିଜ୍ ନିଆଯିବ ନା ପୁରାପୁରି ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ହାତକୁ ନେଇଯିବ? ନାଇଁ, ଲିଜ୍ରେ ହିଁ ନେବେ, ଲିଜ୍ରେ ନେଇକି କାମଟା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ୟାର କେତେ ବର୍ଷ, ଏଟା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଡ୍ରିଲିଂର ରେଜଲ୍ଟ ପରେ କେତେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଅଏଲ୍, ସେଟା ଜାଣିଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଡ୍ରିଲିଂ ଆଉ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଉପରେ, କେତେ ମିଳୁଛି ଗ୍ୟାସ ଏବଂ କେତେ ମିଳୁଛି ତେଲ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା ଅବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ବିଏନ୍ ଫାରୁକ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟନ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ପିପିଲିରୁ। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ସ୍ପେଶାଲକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।